अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल एलिवेटिंग माइंड्स। जानती हूँ बहुत ज़्यादा लंबा टाइम बीत चुका है कोई रिसेंट वीडियो आए हुए, सॉरी फॉर दैट। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे सर्जरी के टॉपिक से रिलेटेड। ओके, सो सर्जरी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है सिलेबस का पार्ट है ओटी टेक्नीशियन के लिए। सो लेट्स सी क्वेश्चंस। So the first question is urine output that is less than 50 ml per day is, so जो भी urine output 50 ml per day से कम हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? Anuria, hematuria, oliguria या polyuria? Anuria का मतलब होता है जब urine बिल्कुल नहीं होता। Hematuria का मतलब होता है जब blood होता है urine के अंदर। Oliguria का मतलब urine सिक्रेशन, यूरिन जो है बॉडी से बाहर आ रहा है लेकिन उसकी क्वांटिटी कम है। पॉलीयूरिया जब 3 लीटर से ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है एन्यूरिया। एन्यूरिया कब कहा जाता है? जब यूरिन आउटपुट 50 ml पर डे से भी कम होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ ई एस एस इज़ परफॉर्म टू ट्रीट। फर्स्ट देखते हैं एफ ई एस एस होता क्या है। इट इज़ फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। एक दूरबीन का यूज़ करते हुए जब कोई सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसे फेस कहते हैं। तो ये सर्जरी क्या ट्रीट करने के लिए की जाती है? मैस्टॉइडाइटिस, मैस्टॉइड बोन में इन्फ्लामेशन, ऑल्टर शेप ऑफ नोज, नोज की शेप को ऑल्टर करने के लिए, एपिस्टेक्सिस को ट्रीट करने के लिए या साइनोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा साइनोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए। जब साइनोसाइटिस काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाता है, ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो एयरी बोन्स होती हैं फेस के अंदर उनमें ब्लॉकेज के कारण पर्सन सांस नहीं ले पा रहा है, लेटते ही जो ये एपनिया की कंडीशन है ज़्यादा एग्रेवेट हो जा रही है, उसको ट्रीट करने के लिए फेस परफॉर्म किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपिस्टेक्सिस स्टैंड्स फॉर, एपिस्टेक्सिस क्या होता है? इजी क्वेश्चन है। ब्लीडिंग फ्रॉम एयर, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम लंग्स, ब्लीडिंग फ्रॉम पॉलिप। सो यहाँ राइट आंसर आएगा ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। नाक से खून बहने को हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिट्रैक्टर इज यूज ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टमी। थायरॉयडेक्टमी क्या होती है? थायरॉयड ग्लैंड को कट करके रिमूव कर देने को हम थायरॉयडेक्टमी कहते हैं। तो इसके लिए कौन सा रिट्रैक्टर ज़्यादा यूज़ किया जाता है? कैट्स फॉर नर्व रूट, जॉल्स रिट्रैक्टर या नन ऑफ अबव। सो यहाँ राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, जॉल्स थायरॉयडेक्टमी रिट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है थायरॉयड ग्लैंड को कट एंड रिमूवल सर्जरी में। देन प्रोसीजर, डैश प्रोसीजर इज परफॉर्म टू ट्रीट हाइड्रोसिफेलस। जब ब्रेन के अंदर हाइड्रोसिफेलस कंडीशन हो जाती है, एक्सेसिव CSF एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर करते हैं? VP शंटिंग, क्रेनियोटमी, क्रेनियोप्लास्टी, नन ऑफ अबव। सो जहाँ राइट आंसर आएगा VP शंटिंग, वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट। इस प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोसिफेलस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू परफॉर्म स्टर्नोटमी। जो स्टर्नम होती है जो रिब्स को कनेक्ट करती है उस बोन को काटने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? गिगली वायर, कर्शनर वायर, स्टर्नल सॉ या नन ऑफ अबव। गिगली वायर का इस्तेमाल करते हैं जब एम्पुटेशन सर्जरी होती है। कर्शनर वायर का इस्तेमाल करते हैं जब हमें इंटरनल फिक्सेशन करना होता है फ्रैक्चर्ड बोन का। स्टर्नल सॉ का इस्तेमाल किया जाता है स्टर्नम को बीच से कट करने के लिए, ताकि CAVG या और कोई जो हार्ट पर प्रोसीजर किया जाना है वो करने के लिए। सो राइट आंसर इज स्टर्नल सॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन ऑफ नेक ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। जब पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है तो नेक की पोजीशन क्या होनी चाहिए? फ्लेक्शन ऑफ नेक, एक्सटेंशन ऑफ नेक, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक या नन ऑफ अबव। सो यहाँ राइट आंसर आएगा फ्लेक्शन ऑफ नेक। नेक को फ्लेक्स किया जाता है पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए। सो देयर इज सम मिस्टेक इन दिस आंसर। यहाँ पर राइट आंसर आएगा हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। सो इस क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा वो आएगा हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। गर्दन को बिल्कुल हाइपर एक्सटेंड किया जाता है पीछे की तरफ, जिससे कि जो वोकल कॉर्ड्स हैं लेरिंजोस्कोप की मदद से अच्छे से विजुअलाइज किए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो पोजीशन
इन विच फुट एंड ऑफ पेशेंट इज हायर देन हेड एंड. जब पेशेंट का फुट एंड हेड एंड से ऊपर होता है, सर वाला हिस्सा नीचे होता है, वो कौन सी पोजिशन होती है? सुपाइन, प्रोन, ट्रेंडलेनबर्ग या रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग. सही आंसर ऑप्शन सी है, ट्रेंडलेनबर्ग. तो इस पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है जिसमें पेशेंट का सर का जो एरिया है वो हेड वाले एरिया से ऊपर की तरफ रहता है, बेटर ब्लड फ्लो के लिए. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज. जब हम एंडोस्कोप की मदद से ब्लैडर को विजुअलाइज करते हैं उसे क्या कहते हैं? हिस्ट्रोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी या नन ऑफ अबव. सो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टोस्कोपी. सिस्टोस्कोपी में हम यूरिनरी ब्लैडर को विजुअलाइज करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी में यूट्रस को, लेप्रोस्कोपी में एब्डोमेन को. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.